वीरेंद्र, माफ कीजिएगा, वीरेंद्र होंगे होंगे विनय के हाथों में गेंद थमाई गई है। कोटे का पाला ओवर दिया गया है विनय को, टारगेट पे लाया गया है विनय को। सामना करेंगे वीरेंद्र, राइट हैंड बल्लेबाज विनय, लंबा रनर रनर। पहली गेंद बल्ले पर आई है, दिशा दिखाया है, दूरी देखनी बाकी है। पहली ही गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो बताया है मैंने, निगाहें टिकाकर आई है पहले से ही और इस पिच को परख लिया है पहले से ही और पहली ही गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाहर। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत पहली ही गेंद पर, पहली ही गेंद पर एक अच्छी शुरुआत देखी गई है। इस बीच दूसरी गेंद टप्पा खाने के बाद सीधे सही से टकराई है तो कोई रन नहीं। कहीं ना कहीं अब इस गेंद के साथ वापसी किए हैं जरूर गेंदबाज, जो कि पहली गेंद पर एक बाउंड्री आई है, एक लंबा सिक्स लगा है उस गेंद पर। तो जरूर दबाव दिखेगा गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि यदि पहली ही गेंद पर एक बाउंड्री आ जाए तो जरूर दबाव दिखता है गेंदबाजों के ऊपर और उसका फायदा जरूर उठाना चाहेंगे बल्लेबाज। विनय को दिया गया है कोटे का पहला ओवर, सामना करेंगे वीरेंद्र। एक अच्छी शुरुआत जरूर हुई है गौना की टीम की तरफ से। इस बीच फिर से बल्ले का घुमाया है और भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो कहीं ना कहीं बेहतर शुरुआत देखी गई है गौना की टीम की तरफ से। 3 गेंदें फेंकी गई है, 2 बाउंड्री आ चुकी है और दोनों लंबे सिक्स आउट ऑफ ग्राउंड के जितने भी प्लेयर हैं आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि आते ही प्रहार दिखाया है बल्ले का, रुख मोड़ा है और बताया है कि मैं एक एक बेस्ट बल्लेबाज हूँ और ओपन करने के लिए आता हूँ, एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता हूँ। इस बीच फिर से बल्ले पर लिया है इस गेंद को, भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर शुरुआत देखी गई है गौना की टीम की तरफ से। मन में ठान के आए हैं जरूर इस ग्राउंड पर जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है 112 रनों का, उसे आज मैं तोड़ूंगा। तो कहीं ना कहीं 4 गेंदें फेंकी गई है, 3 छक्के आ चुके हैं अब तक। बेहतर शुरुआत देखी गई है गौना की टीम के द्वारा। और फिर से विनय होंगे बॉलिंग मार्क पर, इस बार पटकी हुई गेंद, बल्ला चलाया था जरूर, टप्पा खाने के बाद गई है कीपर के दस्तानों में, तो कोई रन नहीं। तो कहीं ना कहीं बाउंड्री लगने के बाद जरूर एक गेंद बीट हो रही है, वापसी कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज भी वही बल्ला लेकर खड़े हैं और बता रहे हैं प्रत्येक गेंद के बाद कि मेरे पास भी वह ताकत है कि यदि मेरे बल्ले पर गेंद आ जाती है तो उसे सीमा रेखा के बाहर भेज सकता हूँ। इस बीच फिर से बल्ले पर गेंद आई है, ऊंची गई है, दूरी देखना बाकी है और दूरी उतनी होगी कि 2 रन मिलेगा जरूर। तो अब हुआ है ओवर समाप्त, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। तो बेहतर शुरुआत लिखी गई है अब यह गौना टीम के द्वारा, एक अच्छी शुरुआत। अंपायर, यह मैच 8 ओवर या 10 ओवर? 8 8। 2 मैच निर्धारित किया गया है तो 10 ओवर सही रहेगा। 10 ओवर का यह लीग मुकाबला होगा, इसके बाद जो मुकाबला होगा वह 12 ओवरों का होगा, जो प्री क्वार्टर मुकाबला खेला जाएगा। तो 10 ओवर का मुकाबला है, 5 गेंदबाज यूज होंगे। एक बार अंपायर उस चीज को ध्यान देंगे कि एक बार आप 2 गेंदबाज 3 ओवर और 2 गेंदबाज 2 ओवर, 4 गेंदबाज यूज होंगे, 2 गेंदबाज 3 ओवर और 2 गेंदबाज 2 ओवर। 10 ओवर का मुकाबला है। इस बीच देवरिया स्पोर्ट लाइव के जो मालिक हैं उन्हें कुछ तकलीफें हुई हैं, जरूर आप उसे अंपायर से बता देंगे, जो भी चीज होगा उसे देख लिया जाएगा। चल हाथों में गेंद थमाई गई है, दूसरा ओवर दिया गया है कार्लोस को, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है हरिंदर, बेहतर बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम की तरफ से। लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज देखे जाते हैं, ओपन करने के लिए आ जाए हैं और बेहतर बल्लेबाजी भी करते हैं। लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज है, सामना करेंगे कार्लोस का ओवर द विकेट से। इस बीच बल्ले पर आई है गेंद, भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए।
तो बताया है इन्होंने भी, मैं भी अपनी निगाहें टिका कर आया हूँ। इनकी पहली गेंद थी हरिंदर की, या पहली गेंद थी और उसे भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये कोना की टीम की तरफ से एक बेहतर शुरुआत देखी गई है। इस बीच फिर से फटकी हुई गेंद टप्पा खाने के बाद गई है कीपर के दस्तानों में। इसी बीच जो हमारे देवरिया स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप यह मैच का मनोरंजन लाइव ले सकते हैं। यूट्यूब पे आप यूट्यूब पर जाइए और देवरिया स्पोर्ट सर्च कीजिए और वहां पर सब्सक्राइब कीजिए और इस मैच का मनोरंजन लीजिए। घर बैठे ही आप इस मैच का मनोरंजन ले सकते हैं। इस बीच फिर से लेकर ईशा में खेला है इस गेंद को और इस बीच 1 रन पूरा करेंगे जरूर 1 रन मिलेगा। और जो हमारे आउट ऑफ ग्राउंड के प्लेयर है, जब गेंद को फेंकी जा रही है ग्राउंड पर, गेंद फील्ड की जा रही है, तो आप उस दौरान जो गेंद आपके पास है उसे ना फेंकें। इस चीज को आप ध्यान देंगे कि जब मैच चालू होगा गेंद रनिंग में होगी तो आप उस दौरान दूसरी गेंद को ग्राउंड पर ना फेंकें, क्योंकि प्लेयरों को डिस्टर्ब होगा, क्योंकि 2 गेंदें यदि ग्राउंड पर रहेगी तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सी गेंद उनकी है। इस बीच बल्ले का किनारा लेकर गेंद गई है टप्पा खाने के बाद स्लिप के हाथों, तो कोई रन नहीं होगा। स्ट्राइक को रोटेट किया है जरूर। अब गए हैं वीरेंद्र भी एक अच्छी शुरुआत की है अपने बल्लेबाजी के दौरान। अब तक 3 बाउंड्रियां लगाकर खेल रहे हैं, एक बेहतर शुरुआत कही जाएगी कोना की टीम के द्वारा। आज कहीं ना कहीं सोच के यह आए हैं कि एक बड़ा स्कोर मैं इस ग्राउंड पर आज खड़ा करूंगा और वो भी उनके सामने 10 ओवरों का मुकाबला होगा। इस बीच लेग स्टंप के बाहर गई है गेंद, अंपायर ने दोनों बाजू को फैलाया है और बताया है इस गेंद को आप फिर से डालेंगे, इस गेंद को आप दोबारा डालना पड़ेगा क्योंकि यह गेंद वाइट है। तो एक एक्स्ट्रा रन आएगा और एक ऑनर के खाते में। दर्शकों का हुजूम बढ़ता हुआ अब धीरे धीरे इस मैच का रोमांच भी बढ़ेगा। इस बीच अच्छी गेंद, लेकिन फिर से अंपायर ने बताया है कि लेग स्टंप के बाहर है यह गेंद और 2 रन मिलेगा भी, एक लेग बाई के रूप में एक वाइड के रूप में। और वही बताया है कि आप फिर से इस गेंद को डालेंगे। 2 गेंदें अब तक लगातार वाइड फेंकी गई है, स्ट्राइक को रोटेट किया है लेग बाई के रूप में। और वहीं अब गए हैं स्ट्राइक पर हरिंदर, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, एक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। बताया है इन्होंने भी पहली गेंद पर जो एक बड़ी बड़ी बाउंड्री आई थी इनके बल्ले से, उससे यह साबित किया है कि मैं भी अपनी निगाहें टिका कर आया हूं। कार्लोस जो अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम की तरफ से दूसरा ओवर। इस बीच टप्पा खाने के बाद शरीर से टकराई है गेंद, तो कहीं ना कहीं अब वापसी की है इस गेंद पर जरूर कार्लोस ने, क्योंकि लाइन लेंथ से भटके थे जरूर 2 गेंदें लगातार वाइड फेंकी गई थी। अब उस चीज को सुधार करते हुए तो फिर से तैयार होंगे कार्लोस, फिर से होंगे तैयार और वहीं स्ट्राइक पर तैयार होंगे हरिंदर। पहली गेंद जो थी वह 6 थी, उसके बाद वाइट पे एक सिंगल आया था, फिर एक वाइट फेंकी गई थी, उसके बाद फिर यह गेंद थी। 4 गेंदें फेंकी गई है, 5 गेंद फेंकी गई है जिसमें से 2 गेंद वाइट थी। पांच गेंदें आपने फेंकी है, पहली गेंद गई है बाउंड्री रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, उसके बाद 2 गेंदें वाइड गई है, 1 गेंद डॉट हुई है। आप वहां पे अंपायर से कोई डिस्कस ना करें, यहां लाइव का मुकाबला चलता हुआ। मैं चाहूंगा देवरिया स्पोर्ट्स चैनल के जो मालिक होंगे आप इस चीज को थोड़ा ध्यान देंगे कि इस ओवर के दौरान कितनी गेंदें फेंकी गई हैं। 2 गेंदें जहां तक की वाइड का करार दिया गया है और 1 गेंद जो 6 गई है, 1 गेंद डॉट हुआ है। 4 गेंदें हुई है अब तक पूरा, यदि गेंद की बात की जाए वाइड को छोड़ के, तो 4 गेंदें आपने फेंकी है अब तक। खाईना
अंपायर आप एक बार जाके देवरिया यूट्यूब चैनल के जो मालिक हैं आप उनसे जाकर एक बार मिल लीजिएगा, वहाँ आप इस चीज को क्लियर कर सकते हैं। आप हुज्जत ना करें, जो कप्तान है कार्लोस, आप वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ अंपायर हमारे जाएंगे उस चीज को क्लियर कर लेंगे। दोनों अंपायर हमारे जाएंगे उस चीज को आप लोग जाकर क्लियर कर लेंगे वहाँ। और कहीं ना कहीं जो इस मुकाबले को घर से लाइव देख रहे होंगे जरूर उनकी भी निगाहें बनी होंगी इस मैच पे, तो जरूर उन्हें भी पता चला होगा कि इसे ओवर के दौरान कितनी गेंदे फेंकी गई है। चार गेंदे फेंकी गई है जिसमें से दो वाइट गेंदे पकड़ी गई थी। तो मैं भी वही बताया था कि आप चार गेंदे फेंके हैं अब तक, तो अब क्लियर किया गया है वह देवरिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि वह जो ओवर था उसमें चार गेंदे फेंकी गई हैं जो मान्य होंगी और दो गेंदे जो थी वह वाइड थी। तो आप जब देवरिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो क्लियर रिपोर्ट आ गया उसके बाद आप यदि हुज्जत करेंगे तो निश्चित ही आपका 5 रन माइनस कर दिया जाएगा। होली के कप्तान मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि यदि देवरिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से यदि रिपोर्ट आ जाता है तो वह फाइनल रिपोर्ट होगा। यदि उसके बाद आप अंपायर से हुज्जत करते हैं तो निश्चित ही आपका 5 रन माइनस कर दिया जाएगा। तो चार गेंदे लगातार एक छक्का जो मालिक है वह हमारे थर्ड अंपायर के रूप में भी यूज किए जाते हैं। एक अनुभव है उनके पास, कई मैचों का अनुभव है। इस बीच फिर से बल्ला चलाया है, हेलीकॉप्टर शॉट को बनाया है इसे और भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो कहीं ना कहीं हरिंदर भी अपना अब आक्रामक रूप बदलते हुए और बल्ले का रफ्तार बढ़ाते हुए क्रीज में खड़े होकर ही हेलीकॉप्टर शॉट बनाया है, इसे जड़ से निकाला है, भेजा है सीमा रेखा के बाहर। इस बीच फिर से बल्ले का किनारा लेकर गई है गेंद की लेग की दिशा में फील्डर है मौजूद, जब तक की गेंद को फील्ड करते हैं तब तक 1 रन पूरा करेंगे। अब हुआ है ओवर समाप्त, तो 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है। तो स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। मटेलो आप जिस व्यक्ति को खोज रहे थे वह आ चुके हैं हमारे बीच, आप आकर उनसे मिल लीजिए। आप जिसे खोज रहे थे वह व्यक्ति अभी आपको मैं माइक दूंगा, आप जो बोलना चाहते थे आप बोल लीजिएगा। इस बीच फिर से अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद शरीर से टकराई है, कहीं ना कहीं नॉन स्ट्राइक है, बल्लेबाज जल्दबाजी जरूर दिखा रहे हैं, चाहते हैं कि मैं स्ट्राइक पे जाऊं क्योंकि पहले ओवर में इनके द्वारा लगातार तो नहीं लेकिन उस ओवर के दौरान 3 छक्के जरूर आए हैं, लेकिन अब स्ट्राइक पर होंगे हरिंदर। विनय के हाथों में फिर से गेंद थमाई गई है। इस बीच फिर से दिशा दिखाया है, गेंद को भेजा है बाउंड्री रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत इस ओवर के दौरान भी, और हमारे आउट ऑफ ग्राउंड के जो प्लेयर हैं काफी डिस्टर्ब हो रहे होंगे क्योंकि एक के बाद एक बाउंड्री आ रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरिंदर से जरूर कि उस साइड पोखरी है, आप थोड़ा उस साइड को शॉट को न्यूनतम रखें। इस बीच फिर से उसी दिशा में भेजा है इस गेंद को बाउंड्री रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो एक के बाद एक बाउंड्री लगातार आई है, 2 गेंदों पर 2 सिक्स। तो कहीं ना कहीं जो कल का हुआ जो शाम का मुकाबला था उसके बाद बाउंड्रियों की रफ्तार बढ़ी है, कहीं ना कहीं अब पिच ने अपना रुख बदला है और बल्लेबाजों का साथ दिया है और बताया है कि अब आप खुल के बल्लेबाजी कर सकते हैं इस पिच पर, गेंदबाजों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब इस बार टप्पा खाने के बाद बल्ले पर आई है गेंद, किनारा लिया है बल्ले का और भेजा है इसे लेग की दिशा में, जब तक की गेंद को फील्ड करते हैं। स्ट्राइक रोटेट किया है, अब गए हैं स्ट्राइक पर वीरेंद्र और एक ओना का बढ़ता हुआ स्कोर 50 रन। हाफ सेंचुरी पूरा कर चुकी है एक ओना की टीम इस तीसरे ओवर की प्रगति पर, तो एक बड़ा स्कोर जरूर खड़ा करेगी एक ओना की टीम आज इस ग्राउंड पर। इस बीच फटकी हुई गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर गई है, अंपायर ने बाजू को फैलाया है और बताया है यह गेंद
आपको फिर से दोबारा डालनी होगी और वहीं लेग अंपायर का इशारा आया है फर्स्ट बाउंस का, तो वार्निंग भी दी गई है, हिदायत दिया गया है। इसके बाद आप गेंद में ऊंचाई रखते हैं तो निश्चित ही वह गेंद नो बॉल दी जाएगी। तो विनय के हाथों में गेंद थमाई गई थी कोटे का या तीसरा माफ कीजिएगा उनका दूसरा ओवर होगा और टीम की तरफ से या तीसरा ओवर। इस बीच अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद गई है सीधे कीपर के दस्तानों में, तो कोई रन नहीं। और मैं चाहूंगा जो हमारे आउट ऑफ ग्राउंड के फील्डर हैं आप लोग जाएंगे और जो पोखरी में गेंद गई है उसे आप लोग निकाल लेंगे आराम से। आप लोगों से ना हो पाए तो रामू यादव को अब ड्रेस उतारना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, स्विमिंग करना पड़ेगा। इस बीच बल्ले का किनारा लेकर गेंद गई है खेतों में, तो एक रन वहां फिक्स है, एक रन मिलेगा वहां से। तो कहीं ना कहीं रामू यादव को भी एक औना के बल्लेबाज दिखाते हुए कि मेरे अंदर भी वह क्षमता है कि गेंदों को मैं आपको तकलीफें पहुंचा सकता हूँ, गेंदों को मैं खेतों में या फिर पोखरी में भेज सकता हूं, क्योंकि एक बार मुकाबला खेला गया था एकावना और जोकर का बासुड़िया में। रामू यादव ने लगातार 9 सिक्स लगाए थे और 9 गेंद को भेजा था सीमा रेखा के बाहर पोखरी में। वहां के जो कमेटी थे वो भी डिस्टर्ब हो गए थे कि उनकी जितनी गेंदें थी सारी गेंदों को भेज दिया था पोखरी में। मैच 10 मिनट के लिए रुका था, गेंद आई उसके बाद मैच हुआ। उस चीज को एकौना की टीम भी इस मैदान पे दोहराती हुई। कहीं ना कहीं इशारा रामू यादव की तरफ होगा कि आप भी देख लीजिए मेरे अंदर भी इतना क्षमता है कि मैं आपको डिस्टर्ब कर सकता हूँ। लेकिन रामू यादव भी काफी चालाक है, उन्होंने भी गेंदों का कमेटी बॉक्स में कि आप मारते रहिए गेंदों की कमी नहीं होगी, बल्लेबाज आप लोग खेलते रहिए गेंद जरूर। कहीं ना कहीं अपनी जान को जोखिम में डालकर पोखरी में उतरते हैं क्योंकि उसमें काफी शिकारी भी मौजूद है पोखरी में, तो वहां पर जान को जोखिम में डालकर उतरते जरूर हैं और गेंद को बाहर भी लेकर आते हैं, तो एक नाव का भी निर्माण करना होगा इस ग्राउंड पर पोखरी के लिए, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज आते हैं तो जरूर सीमा रेखा के बाहर भेजते हैं गेंद को पोखरी में। अब कार्लोस के हाथों में गेंद थमाई गई है और इस बीच फिर से हरिंदर के लिए एक अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद गई है कीपर के दस्तानों में, तो कोई रन नहीं। तो कार्लोस होंगे तैयार फिर से बल्ले का मुंह घुमाया है, नीचे है फील्डर, खतरा हो सकता है पहला विकेट गिरेगा। एक सफलता जरूर मिली है कार्लोस को और अब यहाँ से एक विकेट एकौना का गिरेगा। बल्ला चलाया था जरूर लेकिन जिधर मारना चाहते थे उधर गई रही गेंद, आई ऑफ की दिशा में। नीचे खड़े थे फील्डर, मौका तक नहीं दिए और उस कैच को लपका और बताया कि आपकी सीमा खत्म हुई है, अब जाएंगे आप पवेलियन में वापस। तो कहीं ना कहीं हरिंदर एक अच्छी शुरुआत जरूर दिखाई है अपनी टीम के लिए, अपना काम बेखूबी तरह से निभा कर आते हुए अब ड्रेसिंग रूम में। इसी बीच विधायक जी का भी आगमन हुआ है, अंकित यादव उर्फ विधायक के पद से जाने जाते हैं, जरूर नाम अभी है, काम भी करेंगे, चुनाव जरूर लड़ेंगे। विधायकी का इनका का नाम यह है, मैं ना ग्राम सभा का चुनाव लड़ूंगा, ना ब्लॉक प्रमुख बनूंगा और ना मैं जिला पंचायत लड़ूंगा, मैं सीधे। इसी बीच एक विकेट और मिला है और एक के बाद एक झटका मिला है कोरोना का, एक विकेट और गिरा है, लगातार 2 विकेटें गिरी है। अब जाकर बल्लेबाजों को बैक फुट पे ढकेला है। इस ओवर के दौरान बेहतर शुरुआत देखी गई है जो एक बड़ा ओवर साबित हो रहा था, 3 ओवर लगातार जो फेंके गए थे तीनों ओवर को बड़ा बनाया था एकावना के बल्लेबाजों ने। अब कहीं ना कहीं कार्लोस के हाथों में यह गेंद थमाई गई थी, इस ओवर के दौरान लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट मिला है जरूर। तो मैं बात कर रहा था विधायक जी की, तो उनका का नाम यह है कि मैं ना प्रधान बनूंगा, ना जिला पंचायत लड़ूंगा, ना ब्लॉक प्रमुखी लड़ूंगा, मैं डायरेक्ट विधायकी का चुनाव लड़ूंगा
दिखाऊंगा और इस क्षेत्र के लिए कुछ करके दिखाऊंगा। तो जरूर आपसे रिक्वेस्ट होगा, क्षेत्र को छोड़िएगा जरूर जरूर, लेकिन पहले जीवर गांव का विकास जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप इस गांव के निवासी हैं, इस क्षेत्र के निवासी हैं, तो जरूर आप इस गांव पे ध्यान दीजिएगा। एक स्टेडियम बनवाइएगा पहले पहले। इस बीच अच्छी गेंद और कहीं ना कहीं कहीं राज कपूर यादव भी इस मुकाबले को लाइव देखते हुए, तो आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इस बीच बल्ले का घुमाया है, हेलीकॉप्टर शॉट बनाया है, लेकिन दूरी देखनी बाकी है, दूरी देखनी बाकी होगी। एक रन अभी सारा आया है अंपायर का, लेकिन आरोप ग्राउंड के जो प्लेयर है उस चीज को देख लेंगे कि यदि गेंद ग्राउंड के बाहर होगी तो निश्चित ही वह गेंद 6 रन होगा। कैसे आउट ऑफ ग्राउंड के प्लेयर उस चीज को अभी बता देंगे। इस बीच फिर अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप के बाहर गई है, तो अंपायर का इशारा है वाइड, तो एक एक्स्ट्रा रन फिर से आएगा। जैसे पहले जैसे मुझे कोई बार हमें किया ना, तो मामले में हमें किया ना कुछ चल। तो इस बीच फिर से कार्लोस, कार्लोस होंगे तैयार, तैयार हम नहीं खींचा ना एक बार फिर से लेग स्टंप के बाहर गई है गेंद, अंपायर का इशारा है भाई, एक और एक्स्ट्रा रन आएगा। कहीं ना कहीं जरूर अपने लाइन लाइन लेन से भटक रहे हैं, लेकिन विकेटें हासिल किए हैं अपने ओवर के दौरान, विकेट हासिल किए हैं अपने ओवर के दौरान। आप नहीं जाएंगे लेग अंपायर जो है, आप नहीं जाएंगे खेत के बाहर। यदि गेंद जाएगी तो वह सिक्स होगा, जो वह सीएम का घर है यदि उसके पास यदि गेंद जाती है तो वह सिक्स होगा। इस बीच बल्ले का किनारा लेकर गेंद गई है स्लीव के आगे और एक विकेट और गिरेगा। तो कार्लोस की इस ओवर में 3 विकेटें आई है, ओवर हुआ है समाप्त, तो 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जहां पहुंचा है पचपन रन, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 55 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो कहीं ना कहीं रामू यादव का यह भी कहना है गौना टीम के लिए कि आप जो जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, आप उतनी झोंक दीजिए, जितनी गेंद को हिरवाना है या फिर गुम करवाना है आप करा लीजिए। गेंदों की कमी नहीं है, कमेटी बॉक्स में काफी गेंदे लाकर रखी गई है, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को दोहरा नहीं पाएंगे जो रामू यादव ने दिखा दिया था बांसुड़िया में, जो 9 गेंदों पर 9 सिक्स लगाए थे और भेजा था 9 गेंदों को पोखरी में, वहां की कमेटी भी डिस्टर्ब हो गई थी, मैच को 10 मिनट के लिए रोका गया था। चल अमित के हाथों में गेंद थमाई गई है, आप टोपी निकाल देंगे, अमित के हाथों में गेंद थमाई गई है और सामना करेंगे वीरेंद्र। बेहतर बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम की तरफ से एक अच्छी शुरुआत दिखाई है जरूर। इस बीच सटी हुई गेंद खतरा हो सकता है, गया है फील्डर के हाथों में अगेन और एक विकेट फिर से गिरेगा। तो कहीं ना कहीं अब स्थिति कुछ इस प्रकार बन चुकी है कि तू चल मैं आता हूँ। एक अच्छी शुरुआत दिखाई थी गौना की टीम ने, जो 4 ओवर की समाप्ति पर 55 रन था, अब जाकर वहाँ 4 विकेट भी गिरा है गौना की टीम का। तो अब बैकफुट पे ढकेला है वह, जो 4th ओवर फेंका गया था कार्लोस के द्वारा, वहां से वह वापसी की है और अपनी टीम के लिए 3 विकेट हासिल किए थे। लेकिन अब अमित ने भी यह बताया है कि मैंने भी अपने टीम के लिए और अपने लिए 1 विकेट हासिल किया इस पहली गेंद पर, और एक बड़े बल्लेबाज को पवेलियन में वापस भेजा है जो वीरेंद्र। एक अच्छी शुरुआत दिखाई थी अपनी टीम के लिए, काफी बाउंड्रियां लगाकर खेल रहे थे, लेकिन अब उन्हें भेजा है पवेलियन के बाहर। तो कहीं ना कहीं यह मुकाबला जो है 10 ओवरों का खेला जा रहा है। इस बीच अंपायर का इशारा है वाइट, तो टप्पा खाने के बाद गेंद गई है ऑफ स्टंप के बाहर, तो एक वाइट और आएगा। तो कहीं ना कहीं विधायक के चेहरे पे मुस्कान भी होगी, क्योंकि अभी हाल ही में कल खेसारी लाल यादव से मिल के आ रहे हैं, तो बेहतर मुलाकात हुई थी इनकी। बल्ले का किनारा लेकर गेंद गई है सीधे फील्डर के हाथों में, तो एक विकेट और गिरेगा। तो
जैसा कि मैंने बताया था एकौना टीम की कुछ इस प्रकार स्थिति बन चुकी है कि तू चल मैं आता हूँ। कोई भी बल्लेबाज अब जाकर निगाहें नहीं टिका पा रहा है, एक के बाद एक विकेट गिर रहा है। शुरुआत तो इस प्रकार हुई थी कि जैसे लग रहा था कि अब जाकर कहीं एक बड़ा स्कोर के खड़ा करके ही रुकेगी एकौना की टीम, लेकिन अब स्थिति कुछ डाउन होती हुई, गेंदबाजों का दबाव दिखता हुआ, बल्ले पर गेंद आ रही है जरूर, लेकिन जा रही है सीधे फील्डरों के हाथों में और बताया जा रहा है कि मैं आपको कैच दे रहा हूं, आप इसे लपकिए। दो फील्डर भी वहीं चतुराई दिखाते हुए मौका तक नहीं दिया अब तक किसी भी बल्लेबाजों को कि आपको एक जीवन दान दिया जाए, क्योंकि वह जानते हैं कि उनका शुरुआती ओवर जो था वह महंगा साबित हो चुका है। अब यहाँ से यदि बल्लेबाजों को मौका देंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए वह मुसीबत खड़ा करेंगे और एक बड़ा स्कोर जरूर खड़ा करेंगे, लेकिन उस चीज को परखा है गेंदबाजों ने। इस बीच फिर से अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर ने दोनों बाजू को फैलाया है और बताया है कि फिर से आप इस गेंद को डालिए। तो कहीं ना कहीं अमित की बात की जाए तो इन्होंने भी अपने ओवर के दौरान दो विकेट हासिल किए हैं और वह जो एक्स्ट्रा प्लेयर ग्राउंड पे मौजूद है आप ग्राउंड से बाहर आ जाएंगे। इस बीच बल्ले पर आई है गेंद, ऊंचाई है, दूरी भी है, जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो अब जाकर जरूर दबाव बनाया है गेंदबाजों पर, कहीं ना कहीं बैक फुट पे धकेला था बल्लेबाजों को गेंदबाजों ने, लेकिन अब इस छक्के के साथ जरूर राहत ली होगी और इन्होंने भी बताया है कि मैं अभी हूँ इस ग्राउंड पर, मैं अभी हूँ, अभी स्कोर की जो सीमा है उसे न्यूनतम नहीं कर सकते आप मैं जब तक खेलूंगा तब तक स्कोर एक बड़ा स्कोर की तरफ जाएगा। इस बीच फिर से पटकी हुई गेंद थी, टपक आने के बाद गई है कीपर के दस्तानों में, तो कोई रन नहीं। साइड को चेंज किया है अब राउंड के विकेट से गेंदबाजी करते हुए अंकित होंगे बैटिंग पे, तो हाथ उठा देंगे। छोटू माफ कीजिएगा, छोटू है राइट हैंड बल्लेबाज जो कि आए हैं लाला के आउट होने के बाद। इस बीच फिर से बल्ले पर आई है गेंद, भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो कहीं ना कहीं दबाव बनाया है अब इस अपने बल्लेबाजी के दौरान अमित, जो कि अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए थे, विकेटें हासिल की है दो, लेकिन उसके बाद बाउंड्रियां भी आई है दो, लगातार दो बाउंड्रियां जरूर आई है, एक के बाद एक, एक गेंद बीट होने के बाद जरूर एक फिर से सिक्स आया है। अभी भी इनका ओवर होगा, कुछ गेंदे होंगी, अभी भी इनकी मौका है इस ओवर को बड़ा बनाने का। इस बीच अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद नीचे ही रही, जाकर सीधे पैरों से टकराई है, तो कोई रन नहीं, ओवर हुआ है समाप्त। तो अब 6 ओवर हुआ है, 5 या 6 5 ओवर तो 5 ओवर हुआ है समाप्त, स्कोर जा पहुंचा है। ओवर की समाप्ति पर 69 रन, विकेट की संख्या कितनी होगी? पांच विकेट गिर चुका है कौना टीम का। फिर से कार्लोस को लाया गया है टारगेट पे और पहली गेंद या टप्पा खाने के बाद कीपर के दस्तानों में गई है, तो कोई रन नहीं। तो कार्लोस होंगे तैयार फिर से, नए बल्लेबाज का नाम आप बता देंगे जो गए हैं, हरिओ तो नाम है काफी अच्छा, हरिओ। अब देखना है कि ओम कितना हरिओम करते हैं, हरि का नाम लेके जरूर उतरे होंगे ग्राउंड पर, और अब देखना है कि कितना हरिओम करते हैं गेंदबाजों का, क्योंकि उनके सामने है कार्लोस। इस बीच फिर से टप्पा खाने के बाद गई है गेंदकीपर के दस्तानों में, तो कोई रन नहीं। तो कार्लोस अब अपने लाइन लेंथ पे आते हुए एक बेहतर गेंदबाज देखे जाते हैं अपनी टीम की तरफ से। शुरुआत काफी खराब हुई थी, और इस बीच फिर से तैयार होंगे कार्लोस। इस बार बल्ले पर आई है गेंद और गई है सीधे फील्डर के हाथों में, एक विकेट और मिला है और कार्लोस को यह चौथा विकेट, कार्लोस को यह चौथा विकेट मिलता हुआ। बात की जाए कार्लोस की, तो बीसीसी के यह खिलाड़ी देखे जाते हैं, ओपन मैच भी खेलते हैं या
और बलिंदर की निगरानी में या ओपन मैच खेलते हैं। जो ओपन मैच खेला जाता है जिसमें प्लेयरों की कोई सीमा नहीं होती है, आप कहीं से भी उस प्लेयर को लेकर आ सकते हैं, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे मऊ हो, चाहे देवरिया हो, कहीं के भी प्लेयर आप ऑल इंडिया के प्लेयर लेकर आएंगे ओपन मैच में। वह ओपन मैच में भी इनका प्रदर्शन बेहतर देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मैच के दौरान जो शुरुआत हुई थी इनकी, एक जो महंगा ओवर साबित हुआ था इनका, लेकिन अब उस चीज को सुधार करते हुए और अपने नाम 4 विकेट हासिल किए हैं। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन जताया गया है जो बल्लेबाज गए हैं उनके ऊपर, उस चीज को हमारे जो अंपायर होंगे वह देख लेंगे। यदि आधार कार्ड चेक करने पे, मैं बता दे रहा हूँ पहले ही इस टूर्नामेंट में अनाउंस कर दिया गया था कि यदि यह मैच ग्राम सभा का है और आधार कार्ड पे आधारित है, यदि ऑब्जेक्शन होती है प्लेयर का आधार कार्ड चेक करने पे वह प्लेयर उस ग्राम सभा से बाहर ही पाया जाता है, तो उसकी टीम को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा और सामने वाली टीम को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। कार्लोस की अभी भी कुछ गेंदें बाकी होंगी, अजीत होंगे तो हाथ उठा देंगे बल्लेबाजी पे। राजू आए हैं अपने बल्लेबाज के रूप में। इस बीच अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद सीधे पैरों से टकराई है, तो कहीं ना कहीं अब वापसी किया है कार्लोस ने, जो निर्धारित रखा गया है कोटे का 3 ओवर, तो इनका यह आखिरी ओवर होगा। 10 ओवरों का यह मुकाबला चलता हुआ, 2 गेंदबाज 3 ओवर और 2 गेंदबाज 2 ओवर, तो 10 ओवर में 4 गेंदबाज यूज होंगे आपके। इस बीच टप्पा खाने के बाद गेंद गई है कीपर के दस्तानों में, तो ओवर हुआ है समाप्त। तो अब 6 ओवर हुआ है समाप्त। स्कोर जहाँ पहुंचा है 69 रन, तो मेडन ओवर भी देखा गया है, यह मेडन ओवर भी देखा गया है कार्लोस का। तो कहीं ना कहीं वापसी किए हैं, जो पहला ओवर एक महंगा साबित हुआ था, उसके बाद जरूर वापसी किया है कार्लोस। एक बड़े गेंदबाज के रूप में देखे जाते हैं और यहाँ पर पहले ओवर के दौरान जो एक उनका बड़ा ओवर बनाया था एकौना के बल्लेबाजों ने। इस बीच फिर से एक अच्छी गेंद, बल्ले का किनारा लेकर गई है फील्डर के हाथों में, एक रन मिलेगा जरूर। अब स्कोर जा पहुंचा है 70 रन। विनय को लाया गया है फिर टारगेट पे और कोटे का इनका या आखिरी ओवर होगा, तीसरा ओवर होगा इनके कोटे का टीम की तरफ से या 7वां ओवर। इस बीच बल्ले पर आई है गेंद, भेजा है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। विनय यदि बात की जाए इनकी, तो अभी तक इनके में सुधार नहीं आया है, क्योंकि यह शुरू से ही महंगे साबित होते गए हैं। अपने कोटे का पहला ओवर भी लेकर आए थे, उस ओवर में 20 रन खर्च किए थे, उसके बाद दूसरा ओवर भी महंगा साबित हुआ था, अब यह तीसरा ओवर को भी महंगा साबित करते हुए बल्लेबाज। छोटू है स्ट्राइक पर, राजू माफ कीजिएगा, राजू है स्ट्राइक पर, बल्ले का किनारा लेकर गई है लेग की दिशा में गेंद, फील्डर है मौजूद, जब तक की गेंद को फील्ड करते हैं तब तक एक रन मिलेगा। स्ट्राइक को रोटेट किया है, अब गए हैं छोटू। तो छोटू की बात की जाए तो अब तक बाउंड्रियां जरूर आई है इनके बल्ले से, 2 बाउंड्री आ चुकी है अब तक। तो इसी बीच मैं बताना चाहूंगा कि यह कोटे का 7वां ओवर चलता हुआ और सामना करेंगे छोटू। इस बीच बल्ले पर लिया है इस गेंद को, भेजा है लेग की दिशा में और फील्डर है मौजूद, एक ही रन से होना होगा संतुष्ट, तो एक रन मिलेगा और इसी बीच जो राज कपूर यादव है इस मैच को लाइव देखते हुए, तो आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं तो सोचा था कि आप कहीं सऊदी चले गए हैं, लेकिन पता चला अभी खुफिया खबरों से कि आप अभी तक मुंबई में टिके हुए हैं, वापसी करेंगे जरूर जीकर गांव में। बता रहे थे कि फाइनल का मुकाबला मैं देखूंगा। इस बीच टप्पा खाने के बाद गेंद गई है कीपर के दस्तानों में, तो कोई रन नहीं।
विनय के हाथों में गेंद थमाई गई थी और सातवां ओवर कोटे का इनका आखिरी ओवर वो जो टिमुसा के खिलाड़ी आप लोग होंगे तो आप लोग हट जाएंगे वहां से ग्राउंड के अंदर से, नहीं तो आपका मैच से पहले ही 5 रन माइनस कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका मैच है जो बड़गो के खिलाफ खेला जाएगा, तो आप यदि हटते नहीं है तो पहले ही आपका 5 रन माइनस कर दिया जाएगा। इस बीच फुल टॉस गेंद रखा है, गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी बीच हमारे लाइट मैन अतुल कलौजिया का भी आगमन हुआ है। छोटे कद के खिलाड़ी देखे जाते हैं, ये भी जीपर की टीम में काफी छोटे होते जा रहे हैं। जैसे उम्र उनकी बढ़ती जा रही है वैसे कद इनका छोटा होता जा रहा है, लेकिन मोटाई काफी है। यदि तोला जाए तो कम से कम 1 क्विंटल के ऊपर ही होंगे। कहीं ना कहीं उम्र देखी जाए इनको, कहीं मैं साथ लेकर जाता हूं, पूछता हूं भैया आप बताइए इनकी शादी हुई है या नहीं हुई है, तो बोलते हैं लोग अभी बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन ये एक बच्चे के बाप बन चुके हैं, तो तरक्की की है जरूर जरूर। एक अच्छे इंसान के रूप में भी देखे जाते हैं अतुल कनौजिया, बेहतर इंसान है। लाइट का भी ठेका चलता है इनका, आप चाहें तो बुकिंग करा सकते हैं यहाँ पर। इस बीच फिर से बल्ले पर लिया, इस गेंद को भेजा है लेके दिशा में, फील्डर है मौजूद। जब तक की गेंद को फील्ड करते हैं तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने छोड़ कर लाया है। 1 रन मिला है, फिर नए गेंदबाज को लाया गया है टारगेट पे, नाम बता देंगे आप। श्याम को लाया गया है टारगेट पे, सामना करेंगे राजू राइट हैंड बल्लेबाज, बेहतर बल्लेबाजी देखी गई है इनके द्वारा भी। इस बीच फिर से बल्ले पर लिया, इस गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो एक के बाद एक बाउंड्री आ रही है, अभी भी रनों पर अंकुश नहीं लगा पाए हैं जो हवली के कप्तान हैं, जो अभी भी उन्हें बल्लेबाजों पर और जो रनों का अंकुश है वो अब तक उस पे अंकुश नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि विकेट तो मिला है जरूर, लेकिन रन अभी भी बन रहे हैं। एकौना की टीम की बात की जाए तो काफी अच्छे बल्लेबाज देखे जा रहे हैं इनके टीम में भी। अभी यह 6वीं जोड़ी है पिच पर और बेहतर बल्लेबाजी दिखाती हुई। अंपायर का इशारा है वाइड, तो ऑफ स्टंप के बाहर गई है अगेन, तो एक और वाइड मिलेगा। तो फिर से श्याम होंगे तैयार। और फिर अब इसके पहले जो गेंद थी वो ऑफ स्टंप के बाहर गई थी, लेकिन इस बार वाली गेंद लेग स्टंप के बाहर गई है, तो एक वाइट और आया है। तो बताया है मैं ऑफ स्टंप के बाहर भी वाइट फेंक सकता हूँ और लेग स्टंप के बाहर भी, लेकिन आपके रडार में नहीं आऊंगा, क्योंकि इसके पहले वो जो गेंद थी सीमा रेखा के बाहर गई थी। लेकिन परखा है गेंद को, फिर से भेजा है बाउंड्री रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो जो बाउंड्री की सीमा है अब तक उस पे अंकुश नहीं लगा पाए हैं हवली के कप्तान या गेंदबाज। लगातार बाउंड्रियां बनती जा रही है, स्कोर जा पहुंचा है अब 97 रन। 8वां ओवर प्रगति पे है, स्कोर पहुंचा है 97 रन। तो जरूर आज इस ग्राउंड पर एक बड़ा स्कोर देखने के लिए मिलेगा और वह जो रिकॉर्ड है वह टूटेगा भी, जो 112 रनों का है। और इस बार टप्पा खाने के बाद गेंद गई है कीपर के दस्तानों में, तो वापसी की है जरूर इस गेंद के साथ, क्योंकि 2 बाउंड्रियां आई है लगातार इनके गेंदों पर। हैट्रिक पे थे लेकिन उस चीज को इस बार हेलीकॉप्टर शॉट बनाना चाहते थे, लेकिन बल्ले पर आई नहीं है गेंद, टप्पा खाकर गई है कीपर के दस्तानों में। इसी बीच जो देवरिया स्पोर्ट चैनल के माध्यम से या मुकाबला आप घर बैठ के YouTube पर देख सकते हैं, लाइव के माध्यम से Facebook पर भी देख सकते हैं। इस बार जरूर टप्पा खाने के बाद गेंद उनके शरीर से टकराई है, सर पर लगी है जाकर जरूर चोटिल किया है श्याम ने राजू को। ओवर हुआ है समाप्त, 8 ओवर हुआ है समाप्त, स्कोर अभी भी 97 रनों पर रुका हुआ है।
क्योंकि यह मुकाबला 10 ओवरों का खेला जा रहा है। इसके बाद का जो मुकाबला खेला जाएगा वह बड़ा मुकाबला होगा, प्री क्वार्टर मुकाबला। आमने सामने होगी टॉप 12 टीम, जिसमें पहला मुकाबला निर्धारित किया गया है बड़गो और डिमसा का। वह मुकाबला एक बड़ा मुकाबला होगा जो 12 ओवरों का मुकाबला खेला जाएगा। एक बेहतर मुकाबला देखा जाएगा प्री क्वार्टर में, जो 12 टॉप टीमें पहुंची हैं उसमें से यह पहला मुकाबला होगा उनका। इस बीच बल्ले पर आई है गेंद, भेजा है लेग की दिशा में, फील्डर है मौजूद। जब तक की गेंद को फील्ड करते हैं तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया है। और देवरिया यूट्यूब चैनल के मालिक की बात की जाए तो एक बेहतर इंसान के रूप में देखे जाते हैं। क्रिकेट का काफी अनुभव है इनके पास, कई मैचों को लाइव चला चुके हैं, सनाओं में भी, अभी हाल ही में बेल्जियम प्रीमियर लीग में भी इनका आगमन था, और इसे जूनियर प्रीमियर लीग में भी इनका आगमन है। इस बीच फिर से बल्ला चलाया है, बल्ले पर आई नहीं है गेंद, गई है कीपर के दस्तानों में। तो जरूर रामू यादव से अनुरोध कर रहे होंगे कि थोड़ा आप मेरा तनख्वाह बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं टाइम पे आ जा रहा हूँ और आपका हर मैच को लाइव चला रहा हूँ। इस बीच खतरा हो सकता है, लेकिन जरूर की जरूर बीच में पहुंचेंगे। जल्दीबाजी नहीं दिखाई है और नॉन स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज ने, छोटू ने उस चीज को मना किया कि नहीं, गेंद हाथों में है, आप यहाँ से अपने ही क्रीज में मौजूद रहिए, क्योंकि आप यहाँ से यदि रन लेंगे तो एक विकेट और गिरेगा। इस बार फिर से अच्छी गेंद, ठीक है, टप्पा खाने के बाद गई है कीपर के दस्तानों में। तो निहाल को लाया गया है नए गेंदबाज के रूप में, कोटे का या पाला ओवर टीम की तरफ से नौवां ओवर। इस बीच पटकी हुई गेंद और जाएगी सीधे फील्डर के हाथों में, टप्पा खाने के बाद बल्ले पर आई थी जरूर, बल्ला चलाया था लेग की दिशा में, और गेंद बल्ले पर आई थी जरूर, लेकिन ऊंचाई थी, दूरी नहीं थी, और खड़े थे नीचे फील्डर, उस कैच को कलेक्ट किया है। तो एक झटका और लगाया यहाँ से एकौना की टीम को, एक झटका यहाँ से और लगा है एकौना की टीम को, तो यह छठवां विकेट गिरा है। अब उनका जगह लेने के लिए जा रहे हैं अंकित। तो काफी इस टूर्नामेंट में अंकित नाम का दौर चलता हुआ, बहुत ही सारे प्लेयर अंकित नाम के देखे जाते हैं, हमारे विधायक जी भी अंकित नाम के देखे जाते हैं। जरूर आपके पास भी हम आएंगे अभी विधायक जी, यह ओवर खत्म हो जाएगा तो मैं आपसे ये अभी बात करूंगा। इस बीच स्टंप खाने के बाद गेंद लगी है स्टंप पे और एक विकेट और मिला है, तो कहीं ना कहीं एक ओना टीम की बात की जाए तो जब विकेटें गिर रही हैं तो लगातार ही गिर रही है, और जब बाउंड्री लग रही है तो लगातार ही लग रही है, तो कहीं ना कहीं उस विकेटों पर अंकुश लगाना होगा, क्योंकि जो आप इसके बाद आखिरी ओवर होगा आपके लिए, और एक बड़ा स्कोर आप यदि खड़ा करना चाहते हैं तो एक जोड़ी को टिकानी होगी वहां पर, और एक बड़ा स्कोर आपको बनाना होगा। तो ओवर हुआ है समाप्त, 9 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है। तो स्कोर जा पहुंचा है 98 रन, 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 98 रन। निहाल की बात की जाए तो अपने कोटे के दौरान एक रन खर्च किए हैं और अपनी टीम के लिए 2 विकेट भी हासिल किए हैं। अभी भी छोटू होंगे स्ट्राइक पर, अच्छी गेंद अमित को दिया गया है, या टीम की तरफ से आखिरी ओवर, और उनके कोटे का भी यह आखिरी ओवर होगा, इस पहली इनिंग का यह आखिरी ओवर दिया गया है अमित को। अमित की बात की जाए तो पहले ओवर के दौरान 2 विकेट हासिल जरूर किए थे, लेकिन बाउंड्री अभी आई थी इनके ओवर के दौरान। इस बीच फिर से टप्पा खाने के बाद गई है कीपर के दस्तानों में, अपील जताई गई है जरूर, लेकिन अंपायर से कोई असर नहीं। तो 2 गेंदे डॉट हो चुकी है, या 10वां ओवर प्रगति पे है, तो अब जहां तक लग रहा है वह जो बड़ा स्कोर था 112 रनों का होगा, वह रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाएगी कोना की टीम। शुरुआत तो इस प्रकार हुआ था जैसे लग रहा था कि 150 का आंकड़ा पूरा करेगी। इस बीच एक रन मिलेगा जरूर, यदि गेंद दीवार से अंदर भी रह जाती है तो एक ही रन मिलेगा, दीवार पे भी लगती है तो एक ही रन मिलेगा, बाहर जाएगी उसके पार जाएगी तो जरूर आपको 4 या 6 रन मिलेगा। इस बीच बल्ले पर आई है गेंद, ऊंची गई है, दूरी नहीं होगी, नीचे है फील्डर, और इस कैच को भी लपका है और उन्हें भेजा है पवेलियन के बाहर। तो एक विकेट और आया है अमित के नाम, अमित के नाम भी 3 विकेट आया है।
हौली हौली तो कहीं ना कहीं हमारे टीम के जो जूनियर टीम के कोच हैं उनका कहना भी यह है कि यार टीम जो है हौली की टीम वो अब तक एक भी कैच को ड्रॉप नहीं की है, एक भी कैच को मिस नहीं किया है, एक भी कैच को छोड़ा नहीं है, उसका जरूर फायदा मिला है उन्हें। उन्हें एक बड़ा स्कोर से तिकोना की टीम को रोका है, जिसकी फिर से मौका बना है, जरूर लग के जाएंगे और एक विकेट और गिरेगा तिकोना टीम का। एक विकेट बचा है अभी भी, नौवा विकेट था यह। ऑल आउट ऑल आउट ऑल आउट। एक बार रुक जाइए स्कोरर, आप इस चीज को ध्यान देंगे कि अब तक कितना विकेट गिरा है। ऑल आउट ऑल आउट। जहां तक उम्मीद है कि ऑल आउट हो चुकी है कौना की टीम। एक वो हाँ, हमारे थर्ड अंपायर का नाम है कि ऑल आउट हो चुकी है कौना की टीम। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर शुरुआत दिखाई जरूर थी कौना की टीम, जो कि ऑल आउट हो चुकी है। बॉल आप दे देंगे वहां अंपायर के पास, वो बता रहे हैं कि उनकी गेंद है वो। जो आप अभी कैच लिए हैं उस गेंद को आप दिए नहीं है, हाँ तो वही गेंद है, तो आप तो आपसे वही गेंद मांगी जा रही है, तो आप बता रहे हैं कि मेरी गेंद है। जल्दी चालू कराओ। आपसे यह उम्मीद नहीं थी कार्लोस, आप भी यह सब करने लगे, बलिंदर की तरह आप भी हो गए हैं। बलिंदर जैसे गेंद को चोरी करते हैं, आप भी गेंद को चोरी करने लगे हैं। सही है, आप भी उन्हीं के क्षेत्र रक्षण में रहते हैं, निरक्षण में रहते हैं, तो असर पड़ेगा जरूर उनका आप पे। तो अब चलते हैं हम विधायक जी की तरफ, तो उनके जो बहुत ही क्लोज के साथी हैं, उनके जो राइट हैंड कहे जाते हैं अतुल कनौजिया, भी उनके पास जाकर बैठ गए हैं। मैंने अलाउंस भी किया, हमसे नहीं मिले, जाके उनसे जाके डायरेक्ट मिले हैं। तो जरूर पता कर रहे होंगे कि आप कल रात को गए थे एक प्रोग्राम में, आपको इन्वाइट किया गया था, स्पेशल आपके लिए पास आया था, खेसारी लाल यादव से मिलने गए थे। तो क्या आपका मतलब वहाँ मनोरंजन क्या हुआ था पूरी परिचय लेते हुए अतुल कनौजिया उनसे जाकर, और बता भी रहे होंगे क्षेत्र के बारे में, क्योंकि विधायक के पद पे तो है नहीं, लेकिन जरूर जरूर उनको बताया जाता है कि क्षेत्र में क्या चीज की कमी है, उस चीज को या एक डायरी बनाए हैं, उसमें नोट करते जाते हैं इस उम्र से ही कि मैं जब विधायक के पद पे होऊंगा तो उस चीज की सुधार कराऊंगा। इनका कहना यह भी है कि आने दो शासन में, रसियन बटवा दूंगा राशन में। तो जरूर जरूर उम्मीद होगी आप आएंगे शासन में जरूर एक ना एक दिन। अभी भी दो लोगों का पता नहीं चला है, अजीत यादव और अभिषेक यादव, ये लोग इतने खुश हो चुके हैं कल प्रोग्राम में जाकर, इतना परिचय प्राप्त कर चुके हैं ये लोग प्रोग्राम में जाकर कि अभी तक वो लोग दिख नहीं रहे हैं ग्राउंड पे। तो स्कॉर्पियो हमारे करीब आती हुई पता चला है कि अभिषेक यादव सुबह सुबह उठ के ही बरहालगंज की तरफ गए थे, तो अब आते हुए तो जरूर कल गए थे प्रोग्राम में, हाथ हाथ मिलाया होगा, हाथ गंदा हो गया होगा, तो गए थे आज गंगा नहाने। हेलो हेलो। वो कहीं ना कहीं जो अतुल कनौजिया है वो काफी निराश है हम लोगों से, मुंह फुलाए हुए हैं, क्योंकि कल रात वो इन्होंने भी मुझे कॉल किया था और कहा था कहाँ जाता रहा तू पहले बताओ, क्योंकि इन्हें शक था कि इन्हें हम लोग छोड़ के जाएंगे, लेकिन मैंने कहा कि आप चलिए। तो बता रहे हैं कि मेरा आज सट्टा बुक है, मैं आज प्रोग्राम में हूँ तो मैं जा नहीं सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उस ग्रुप की बात की जाए तो अजीत यादव आते हैं एक पावर की तरह, पवन की तरह आते हैं, हवा की तरह
और आते हैं तो रौनक मचा के फिर चले भी जाते हैं, टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि अभी हाल ही में उनका ज्वाइनिंग हुआ है धर्मा हॉस्पिटल में, चेयरमैन के रूप में देखे जाते हैं। तो जरूर जरूर अब इस खेल दुनिया से वह दूर हो चुके हैं और टाइम देते हैं हॉस्पिटल में, काफी सीख ले चुके हैं, इंजेक्शन लगाते हैं अब वो भी टाइम टाइम पे इंजेक्शन लगाना जान गए हैं, हम लोग को भी इंजेक्शन लगा देते हैं, यदि कोई गलतियां होती हैं तो इंजेक्शन लगा देते हैं अब वो भी विधायक जी की जब भी तबीयत खराब होती है तो इनका दवा दरकम सब कुछ वहीं धर्मा हॉस्पिटल में ही किया जाता है। अभी हाल ही में चेकअप हुआ है इनकी पूरी शरीर का, तो कोई कमियां पाई नहीं गई है, पूरे रूप से फिट दिख रहे हैं। सीजन आ रहा है तो चेकअप कराएं अपनी शरीर का, क्योंकि कंपाइन का सीजन आ रहा है, गेहूं के खेत में जाके बैठे भी हैं, देख रहे होंगे कि कब वह कलियां निकलेगी, कब वह गेहूं फूटेगा, कब सूखेगा और कब मैं कंपाइन की स्टेयरिंग पे बैठूंगा। तो ग्रीसिंग पानी तैयार होगा इनका, अपने शरीर का भी वह ध्यान काफी अच्छे से ले रहे हैं। जरूर रामू यादव जो है वो भी कंपाइन के मेन ड्राइवर के रूप में देखे जाते हैं, तो इनका भी चेकअप नहीं हुआ है, इस टूर्नामेंट के बाद ये भी अपना चेकअप कराएंगे। वहीं विधायक जी हर मामले में आगे रहते हैं, वो अपना चेकअप पहले ही करा लिए हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर का चेकअप कराया है, अब तक कोई कमियां पाई नहीं गई है उनके अंदर। जरूर डॉक्टर ने बताया है कि आपकी हेल्थ काफी कम हुई है, तो बताया है उन्होंने, थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो गया था लेकिन अब खाने पीने पे ध्यान दूंगा और वहां से एक तंदुरुस्त शरीर बनाऊंगा। मैं चाहूंगा हौली के अब जो कप्तान होंगे एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेज देंगे, मुझे तो जहां तक पता है विनय होंगे एक तरफ होंगे अमित, जो ओपन जोड़ी आ रही है हौली की तरफ से अमित और विनय। तो 99 रनों का लक्ष्य दिया गया है, 100 रनों पर जीत होगी। 99 रन बनाई है गौना की टीम 10 ओवरों में, 100 रन बनाने हैं होली को जीत के लिए, ओपन करने के लिए भेजा है विनय को और अमित को। विनय होंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर होंगे अमित। और इसी बीच अंकित मिश्रा का भी आगमन हुआ है, कई अंकित इस ग्राउंड पे आज दिख रहे हैं, समियाना टेंट हाउस के नाम से जाने जाते हैं, एक बेहतर इंसान के रूप में देखे जाते हैं इनके द्वारा ही और इनके पिताजी के द्वारा। इस टूर्नामेंट में जो माननीय सुनील मिश्रा जी होंगे उनके द्वारा इस टूर्नामेंट में इस पूरे टेंट हाउस के रूप में योगदान दिया गया है, तो आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस ग्राउंड पर। और मैं अनुरोध करूंगा कि साथ साथ टेंट जरूर दे रहे हैं आप, एक टीम को पुरस्कारित भी अपने तरफ से कर देते कैश की तरफ से तो वो भी अच्छा होता, क्योंकि आपका सीजन चल रहा है काफी। और ये जो छोटे बच्चे आ रहे हैं गेहूं के खेत की तरफ से, आप लोगों को उठाकर पोखरी में फेंक दिया जाएगा, आप लोगों को उठाकर पोखरी में फेंक दिया जाएगा क्योंकि वह रास्ता नहीं है, जान पहचान में आ नहीं रहे हैं, पता नहीं लगता है सवरिया जी के बालक हैं वो, तो सवरिया जी आप जहां कहीं भी हो आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा। अब अंकित के हाथों में गेंद थमाई गई है, चलते हैं मैच की तरफ। अब अंकित के हाथों में गेंद थमाई गई है, कोटे का पाला भर दिया गया है अंकित को, सामना करेंगे विनय। फील्ड रेडी है, अब यह दूसरी इनिंग की पहली गेंद होगी, दूसरी इनिंग की या पहली गेंद होगी। अंपायर हमारे क्रीज पे पहुंच चुके हैं, वही अंपायर होंगे, मेन अंपायर के रूप में होंगे संगम यादव उर्फ ललई यादव, जो थाईलैंड से मंगाए गए हैं, वही होंगे लेग अंपायर के रूप में हरिकेश यादव जो साउथ अफ्रीका से मंगाए गए हैं। इस बीच अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद गई है कीपर के दस्तानों में, तो बेहतर शुरुआत हुई है पहली गेंद के साथ, क्योंकि बात की जाए इकोना टीम की तो पहली गेंद पर सीमा रेखा के बाहर भेजा था गेंद को। और अंकित यादव उर्फ विधायक जी आप आएंगे यहाँ कमेटी बॉक्स में, अंकित यादव के साथ मुझे उनका निक नाम भी बताना पड़ रहा है क्योंकि काफी अंकित यादव है इस ग्राउंड पर। इस बीच टप्पा खाने के बाद गेंद गई है कीपर के दस्तानों में, तो बेहतर शुरुआत। तो जैसा कि अंकित नाम लेने के बाद उनका निक नाम भी बताना पड़ रहा है क्योंकि काफी अंकित इस ग्राउंड पर मौजूद है, खुद मैं भी अंकित हूँ।
तो विधायक जी आपके कानों तक हमारी आवाज जाती हो तो कमेटी बॉक्स में संपर्क कर लीजिए। इस बीच टप्पा खाने के बाद आप स्टंप के बाहर गई अगेन और अंपायर ने दोनों बाजू को फैलाया है और बताया है कि यह गेंद वाइट होगी। दोबारा डालिए इस गेंद को। लेकिन अंकित मिश्रा जी, जो आपका यह टेंट का नाम दिया गया, एक बेहतर टेंट का नाम है सामियाना टेंट हाउस, यह पहली बार ऐसा नाम मैंने सुना है। काफी रोमांच वाला नाम है, यह बेहतर नाम दिया गया है उस टेंट हाउस का। यदि यह नाम पड़ जाए तो इस क्षेत्र में आप छा जाएंगे। इस बीच फुल टॉस गेंद भेजा है सीमा रेखा के बाहर, तो पहली बाउंड्री आई है। हौली के बल्लेबाज विनय के बल्ले से यह पहली बाउंड्री आती हुई, बल्ले का मुंह खोला है। अब अपना जो खाता है वह 6 रन से ही खोला है और बताया है कि मैं भी आपसे कम नहीं हूँ। जो आपने अपना खाता 6 रन से खोला था तो मैं भी अपना खाता 6 ही रन से खोलूंगा। इस बीच फिर से फुल टॉस गेंद भेजा है, पूरी देखनी बाकी होगी, तो 2 ही रन मिलेगा। कहीं ना कहीं हुआ जो फील्ड है गेहूं का खेत, उसी में जाकर हुआ गेंद रुकी है तो 2 रन मिलेगा। यदि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगी तो 4 रन उड़ के जाती है तो 6 रन। तो अब बल्ले का मुंह खोला है, अब एक के बाद एक गेंद बल्ले पर आ रही है, जबकि देखा गया था 3 गेंदें फेंकी गई थी, 3 गेंद फील्ड की गई थी, कीपर के दस्तानों में गई थी, लेकिन अब जाकर बल्ले की शुरुआत हुई है। इस बीच एक अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद गई है कीपर के दस्तानों में। तो एक बड़ा स्कोर आपके सामने होगा, 10 ओवर होंगे, 60 गेंदें होंगी आपके सामने और बनाने हैं 100 रन। टोटल 100 रन का आंकड़ा दी है एकौना की टीम। इस बीच फिर से बल्ला चलाया था, बल्ले का एज लेकर गेंद गई है ऑफ की दिशा में, फील्डर है मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते हैं 1 रन पूरा किया। इसी के साथ ओवर हुआ समाप्त। तो 1 ओवर की समाप्ति पर होली का बढ़ता हुआ स्कोर, लगता है स्कोरर के कानों तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। 10 रन, तो 10 रन रन 1 ओवर की समाप्ति पर, अच्छी शुरुआत। यदि आप इस रन रेट के हिसाब से चलेंगे तो जरूर आप इस टूर्नामेंट में अगले दौर में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि 10 ओवर होंगे आपके सामने। प्रत्येक ओवर में आप यदि 10 रन बनाते हैं तो निश्चित ही आप उस 100 रन का आंकड़ा पार कर सकते हैं। अब लाला के हाथों में गेंद थमाई गई है, फुल टॉस गेंद, जरूर इस गेंद को नो बॉल पकड़ा जाएगा और भेजा है बाउंड्री रेखा के बाहर। कमर के ऊपर यह गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, परखा है उस गेंद को और भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। लेकिन अब यहां से एक बॉल नो बॉल पकड़ी गई है, कमर के ऊपर वह गेंद थी, सीधे नो बॉल करार दिया गया है उस गेंद को और बल्लेबाज को बताया गया है आपके पास एक और गेंद का मौका होगा, फ्री हिट गेंद होगी। इस बीच फिर से बल्ला घुमाया है, लेकिन दिशा में फील्डर है मौजूद, टप्पा खाने के बाद गेंद गई है उनके हाथों में और 1 ही रन से होना होगा संतोष। तो फ्री हिट का बेखूबी फायदा नहीं उठा पाए हैं बल्लेबाज विनय। तो 10 रन के हिसाब से पर ओवर चाहिए होली की टीम को यदि इस टूर्नामेंट में अपना दौर अगला दौर में शामिल करना है अपना नाम, तो 10 रन के हिसाब से इनको चाहिए प्रत्येक ओवर में। लाला को लाया गया है टारगेट पे, होली का पहला ओवर टीम की तरफ से दूसरा ओवर। तो फिर से लाला होंगे रेडी, अंपायर को पार करते हुए ओवर द विकेट से। इस बीच बल्ला चलाया है, गेंद ऊंची गई है, नीचे है फील्डर, खतरा हो सकता है और अपने ही फॉलो थ्रू कैच को कलेक्ट किया है और भेजा है अमित को पवेलियन के बाहर। तो खाता तक नहीं खोलने दिया है अमित को और बताया है कि मैं आप पे हावी हूं और पहला विकेट अपने नाम करते हुए लाला। तो बल्लेबाज नियम बता देंगे आप, तब तो हम लोग जीत गए उतना मान लेना सर। इस बीच बल्ले का किनारा लेकर गेंद गई है लेके दिशा में, फील्डर है मौजूद, 1 रन जरूर मिलेगा।
क्या नाम है आप बता देंगे? नॉन एशिया के बल्लेबाज मनोज 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 होंगे तो आप उठा देंगे। अनुज अनुज तो अमित के आउट होने के बाद अनुज को बुलाया गया है। एक प्लेयर आप भेज देंगे, आपसे मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कार्लोस, यदि आपके कानों तक हमारी आवाज आती हो तो एक प्लेयर भेज देंगे आप। इस बीच एक अच्छी गेंद जड़ में डाला था इस गेंद को, उसी तरीके से इस गेंद को खेला भी गया है बेहतर बेहतर तरीके से और एक रन मिलेगा जरूर जरूर। कार्लोस आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर आप भेज देंगे यहाँ। अनुज है स्ट्राइक पर, राइट हैंड बल्लेबाज, सामना करेंगे लाला की गेंदों का। लाला कोटे का या पाला ओवर टीम की तरफ से दूसरा ओवर, ओवर दी विकेट से पटकी हुई गेंद खेला है स्लीप के दिशा में, स्लीप से दूर थी यह गेंद टप्पा खाने के बाद, जब तक गेंद को फील करते हैं तब तक एक रन मिलेगा जरूर जरूर। तो 10 रन के हिसाब से पर ओवर चाहिए होली की टीम को यदि इस मैच को जीतना है तो बात की जाए तो काफी बड़ा स्कोर नहीं होगा, पर ओवर 10 रन के हिसाब से चाहिए। यदि अच्छी बल्लेबाजी करते हैं विकेट पर अंपायर रोक लगाते हैं तो जरूरी से टूर्नामेंट में उनका जगह बन जाएगा। और इस बीच बल्ले पर आई है गेंद, भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और ओवर हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है। सत्ताईस रन तो इसके बाद जो स्कोर है 2 ओवर के बाद पहुंचा है 27 रनों पे। तो अब इस ओवर में ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी होली की टीम को क्योंकि पर ओवर के हिसाब से इनको 10 रन चाहिए तो इस ओवर में 7 रन पहले ही जोड़ दिया है और अभी इस ओवर में उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। यदि जल्दीबाजी होगी मैच को पहले जीतना होगा तो तभी कहीं ना कहीं बल्ले का मुंह खुलेगा और जरूर इस स्कोर को एक छोटा स्कोर बनाना चाहेंगे। अब हरिंदर को लाया गया है टारगेट पे और इस बीच बल्ले का किनारा लेकर गेंद गई है लेग की दिशा में और जब तक गेंद को फील्ड करते हैं तब तक एक रन मिलेगा जरूर जरूर। तो हरिंदर को हाथों में गेंद थमाई गई है, कोटे का पहला ओवर दिया गया हरिंदर को टीम की तरफ से या तीसरा ओवर होगा। सामने है विनय, जैसे शुरुआत हुई थी एकौना की टीम की सेम उसी तरह से उस चीज को दोहराते हुए होली के बल्लेबाज। इस बीच भेजा है गेंद को सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। विनय जो कि अपने गेंदबाजी के माध्यम से काफी महंगे साबित हुए थे उसका अब भुगतान करते हुए उस चीज का अब हिसाब लेते हुए इस बीच टप्पा खाने के बाद गई है कीपर के दस्तानों में। तो जैसा कि विनय की बात की जाए तो अपने ओवर के दौरान काफी मांगे साबित हुए थे लेकिन अब उस चीज को परखा है, अब बताया है कि मैं अब आपका हिसाब लूंगा। फिर से बल्ला चलाया था जरूर टप्पा खाने के बाद कीपर के दस्तानों में गई है गेंद। अपील जताई गई है अंपायर पर कोई असर नहीं है अब तक तो यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं होगी क्योंकि हमारे थर्ड अंपायर भी मौजूद है देवरिया यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो लाइव इस मैच का प्रशासन चलता हुआ तो उस चीज से आप। लेकिन मुझे भी जहां तक देखने में लगा कि बल्ला ऊपर चला था गेंद नीचे गई थी तो यह बल्ले से कनेक्ट नहीं थी गेंद तो नॉट आउट का करार दिया गया है। अपील जरूर जताई गई थी कि अंपायर पर कि यह आउट है। इस बीच बल्ले पर आई अगेन, भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो जरूर इस ओवर को भी महंगा साबित करते हुए क्योंकि हरिंदर जो है वह ओपन करने के लिए आए थे अपनी टीम की तरफ से और यह जो साइकिल जिसकी होगी आप लोग वह ग्राउंड से बाहर रखेंगे। जो भी साइकिल जो भी लोग ग्राउंड के अंदर होंगे आप ग्राउंड से बाहर हो जाएंगे। यदि आप पे वह गेंद टकराती है या फिर रुकती है तो आप इस बीच फिर से बल्ले पे लिया इस गेंद को, भेजा है सीमा रेखा के बाहर तो कहीं ना कहीं अब ओवर हुआ है समाप्त। तो 3 ओवर हुआ है समाप्त। बल्लेबाजों को सहायता जरूर मिल रहा है वह जो काफी तेज हवा चल रही थी 2 दिनों से अब उस चीज पे रोक लगाई गई है। हवा आज बंद है तो आज स्टेट की दिशा में भी काफी शॉर्ट दिख रहे हैं और पिच भी काफी टाइट हो चुकी है तो बल्लेबाजों को जरूर अब सहयोग मिल रहा है।
जरूर बल्लेबाज अब बता रहे हैं कि अब मैं इस ग्राउंड पर और इस पिच पर अब मैं इस एक बड़ा स्कोर का पीछा भी कर सकता हूं और एक बड़ा स्कोर खड़ा भी कर सकता हूं। स्कोर बता दो। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 47 रन। इस बीच अंकित को लाया गया है फिर से और कोटे का दूसरा ओवर दिया गया है। इस बीच अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद सीधे कीपर के दस्तानों में गई है, तो कोई रन नहीं। सन्नाटे का माहौल छाया हुआ है ग्राउंड पे, अभी भी कुछ अनुभव नहीं लगाया जा सकता कि कौन सी टीम जीतेगी। इस बीच फिर से एक अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद सीधे गई है कीपर के दस्तानों में। कीपर ने अपना बखूबी काम निभाया है और गेंद को फिर से भेजा है बॉलर के हाथों। इस बीच अपने ही फॉलो थ्रू गेंद को फील्ड करना चाहते थे, पैरों से टकराकर और गेंद गई है ऑफ की दिशा में, लेकिन जब तक फील्ड किया जाता है तब तक एक रन मिलेगा जरूर। तो चौथा ओवर का यह दौर चलता हुआ, चौथा ओवर अंकित के हाथों में गेंद थमाई गई है और इनके कोटे का यह दूसरा ओवर होगा। अब स्ट्राइक होंगे भी नहीं। इस बीच अच्छी गेंद ऑफ की दिशा में खेला, इस गेंद को 2 रन जरूर मिलेगा। खेत में गई है गेंद तो 2 रन आपको जरूर मिलेगा उस जगह। अब स्कोर 50 रन जा पहुंचा है इस चौथे ओवर के दौरान। स्कोर जा पहुंचा है 50 रन, आधा सफर पूरा कर चुकी है होली की टीम। अब यहां से और 50 रनों की आवश्यकता होगी, गेंदे काफी होगी उनके पास। इस बीच फिर से अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद गई है कीपर के दस्तानों में। विनय के लिए फुल टॉस गेंद लेग के दिशा में खेला है और फील्डर है मौजूद। जब तक ये गेंद को फील्ड करते हैं तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने ये रन पूरा किया है। ओवर हुआ है समाप्त, तो 4 ओवर अब समाप्त हुआ है। तो वही जो हमारे मोनू है आउट ऑफ ग्राउंड के फील्डर काफी इनके द्वारा गेंद को खोजा जाता है, निगाहें टिकाए रहते हैं उस गेंद पर। जैसे ही गए हैं गेंद इनको सलाम ठोकी है और बताई है कि मैं यहाँ पर हूँ, आइए ले जाइए मुझे। भाई मैच हो रहा है बिल्कुल नेवादा। राजू के हाथों में गेंद थमाई गई है, बल्ले का किनारा लेकर गई है गेंद पीछे की दिशा में, तो कोई रन नहीं होगा। यदि गेंद खेत में जाएगी तो ही रन मान्य होगा आपके। एक रन नहीं है, ये कौना बनाम हौली बलिया। और शानदार बल्ले पर आई है गेंद, भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो कहीं ना कहीं बेहतर शुरुआत हुई है, विनय की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। ओपन करने के लिए आए, अपनी टीम के लिए काफी रन इन्होंने जुटाया है। मैं जानना चाहूंगा इस स्कोर से इनका निजी स्कोर कितना होगा। इस बीच टप्पा खाने के बाद गेंद गई है कीपर के दस्तानों में, तो कोई रन नहीं। और वहीं मैं बताऊंगा विनय जो अपने निजी स्कोर 34 रनों पर खेल रहे हैं, तो एक बेहतर शुरुआत दिखाई है। अभी भी 16 रन दूर है अपने अर्धशतक से, तो मौका है उनके पास अर्धशतक लगाने का इस ग्राउंड पर। उन पर कहीं ना कहीं बात की जाए पकड़वार के एक प्लेयर जो विशाल नाम के थे, उनके द्वारा इस ग्राउंड पर 82 रन बनाए गए थे। एक निजी स्कोर था उनका 82 रनों का, अब तक इस ग्राउंड पर एक अर्धशतक लगा है। माफ कीजिएगा, राजन नाम था उनका, जो 82 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी उस 8 ओवर की मैच में। कल ही वह मुकाबला खेला गया था इस ग्राउंड पर। इस बीच फिर से एक अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद गई है कीपर के दस्तानों में।
इस बीच फिर से छोटू विनय के लिए और टप्पा खाने के बाद बल्ले का किनारा लेकर गई है गेंद लेके दिशा में फील्डर है मौजूद। जब तक की गेंद को फील्ड करते हैं तब तक है दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन पूरा किया है। इसी के साथ ओवर हुआ है समाप्त। तो 5 ओवर की समाप्ति पर इसी ऊर्जा पहुंचा है। तो 5 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 59 रन पहुंचा है 5 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 59 रन। तो अभी भी 9 रन आगे हैं उस रन रेट के हिसाब से प्रत्येक ओवर 10 रनों का आवश्यकता थी लेकिन उसे 9 रन आगे हैं। इस बीच फिर से स्टेट की दिशा में खेला है इस गेंद को 2 ही रन मिलेगा। यह छठवां ओवर प्रगति पे है। अंकित को लाया गया है फिर से टारगेट पे। इनके कोटे का यह आखिरी ओवर होगा टीम की तरफ से होगा। यह छठवां ओवर तो इस बीच फिर से फुल टॉस गेंद सही नसीहत जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो एक सिक्स और लगा है विनय के बल्ले से तो जरूर और यह जिसकी भी साइकिल हो कमेटी सदस्य आप जाएंगे उसे उठा के फेंक देंगे क्योंकि मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि आप उसे ग्राउंड के अंदर ना रखेंगे उस साइकिल को उठा कर ले जाकर फेंक दीजिए सरसों के खेत में जब्त कर लीजिए क्योंकि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है। प्यार से समझाया जा रहा है प्यार से बताया जा रहा है कि आप लोग ग्राउंड के अंदर कोई भी चीज को नहीं रखेंगे फील्डरों को दिक्कत होगी यदि ये वह चोटी लोगे तो काफी परेशानियां होंगी तो आप कोई भी चीज को ग्राउंड के अंदर ना रखें। मोनू आप उसे ले जाकर फेंक देंगे ले जाइए कतौली के खेत की तरफ। इस बीच मौका बना है जरूर और एक विकेट गिरा है तो कहीं ना कहीं निराश होंगे विनय अपने एक अर्धशतक के तरफ करीब बढ़ रहे थे लेकिन यहाँ से एक विकेट उनका जीता हुआ जो अंकित के नाम गया है और यहाँ से दबाव जरूर दिखेगा क्योंकि एक फिट बल्लेबाज थे विनय और अच्छी पारी भी खेली है अपने बल्लेबाजी के दौरान। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी क्योंकि एक चेस करने आए थे आप 100 रन का लक्ष्य का और अपना पूरा काम करके वापस जाते हुए। यदि बात की जाए विनय की तो उन्होंने अपना पूरा बेखूबी से काम दिखाया है और उसे स्कोर को एक छोटा स्कोर अब बना चुके हैं। बल्लेबाज नेम का नाम है भाई गोल्डन। तो गोल्डन आए हैं देखना है चमकते हैं गोल्ड की तरह या नहीं नाम तो है गोल्डन अब चमकना बाकी होगा इनका। सूर्य भगवान तो चमक ही रहे हैं अब आपका चमकना बाकी होगा। आज इतना चमक रहे हैं कि कोई इंसान दिन भर यदि बैठ जाए तो काफी ब्लैक हो जाएगा। इस बीच बल्ले पे लिया है इस गेंद को भेजा है ऑफ की दिशा में फील्डर है मौजूद। एक ही रन से होना होगा संतोष। तो यह छठवां ओवर है प्रगति पे यहाँ से एक विकेट गिरा है जरूर इस ओवर के दौरान वो भी बड़ा विकेट बड़ा नाम विनय लेकिन वह अपना बेखूबी तरह से काम निभा कर गए हैं। अगले बल्लेबाजों को उतना मेहनत नहीं करना होगा क्योंकि वह इस बीच बल्ले का किनारा लेकर गेंद गई है खेतों में तो 1 रन फिक्स होगा और ओवर हुआ है समाप्त। 6 ओवर हुआ है समाप्त स्कोर जा पहुंचा है। स्कोर जा पहुंचा 69 रन। तो कहीं ना कहीं उस रन रेट के हिसाब से 9 रन अब तक आगे चल रही है। यदि इस हिसाब से बल्लेबाजी हुई तो निश्चित ही यह मुकाबला 9 ओवर में ही जाएगी हॉली की टीम। अब यहां से 24 गेंदें शेष होगी। 2 विकेट गिरा 24 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता होगी। इस बीच अंपायर का इशारा है वाइड तो टप्पा खाने के बाद काफी ऊंची रही गेंद और फर्स्ट बाउंड की हिदायत भी दी जाएगी और बताया जाएगा कि इसके बाद यदि आप गेंद में ऊंचाई रखते हैं तो निश्चित ही वह गेंद नो बॉल दी जाएगी। तो राजू को लाया गया है अटैक पे लाया गया है राजू को कोटे का पाला भर दिया गया है।
और अपनी टीम की तरफ से 7वां ओवर सामना करेंगे गोल्डन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि बिने का विकेट गिरने के बाद दबाव जरूर होगा क्योंकि नए बल्लेबाज आएंगे, वो अफसेट बल्लेबाज थे। इस बीच ऑफ की दिशा में खेला है इस गेंद को, फील्डर है मौजूद, एक ही रन से होना होगा संतुष्ट। तो एक रन फिर से आया है इनके खाते में। तो कहीं ना कहीं यदि इस मैच को जीतना है तो काफी ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। प्रत्येक ओवर जो 10 रन का रन रेट चाहिए था, आप उससे आगे चल रहे हैं। तो एक बेहतर शुरुआत देखी गई है होली की टीम की तरफ से, क्योंकि वह चेस कर रहे हैं और मुझे जहां तक लगता है अब तक इस ग्राउंड पर एक ही टीम है जो चेस कर जीती है वह मुकाबला, वो भी उनके सामने 55 रन का लक्ष्य था 8 ओवर में और उस लक्ष्य का पीछा की थी वही। इस बीच हाथों में जाएगी यह गेंद और एक विकेट गिरेगा जरूर होली का, एक विकेट और गिरेगा। अब यहां से दबाव जरूर महसूस करेगी होली की टीम, क्योंकि इस ओवर के पहले एक विकेट गिरा था और इस ओवर के दौरान भी एक विकेट गिरा है। अब उनका जगह लेने के लिए आएंगे कार्लोस। बेहतर है बल्लेबाज के रूप में देखे जाते हैं कार्लोस, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। तो एक बड़ा नाम इनका भी देखा जाता है उस टीम में, इनका विकेट सबसे महत्वपूर्ण होगा क्योंकि यदि यह ठीक जाते हैं तो यह स्कोर जो है निश्चित ही उसका पीछा कर लेगी होली की टीम। इस बीच ऑफ की दिशा में खेला है इस गेंद को, आप खेतों में मत जाइए, वहाँ आउट ऑफ ग्राउंड के प्लेयर लगे हुए हैं उस गेंद को निकाल लेंगे और खेत के मालिक भी घूम रहे हैं उसी खेत की तरफ, देखिएगा थोड़ा उनसे बच के रहिएगा। दिखते तो बहुत शांत है लेकिन रडार में आप आ जाएंगे तो बचेंगे नहीं उनसे। इस बीच फिर से पटकी हुई गेंद, अपोलो थ्रू फील्ड करना चाहते थे लेकिन पैरों से टकराकर हुआ गेंद लेके दिशा में गई, जिसका नतीजा है कि एक रन मिलेगा जरूर स्कोरवा बता दिया। ओवर हुआ है समाप्त, तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है। रन अब यहाँ से 18 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता होगी, उल्टी गिनती शुरू है। अब 18 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता है, एक रोमांच की तरफ मुकाबला बढ़ता हुआ। 26 हरिंदर के हाथों में गेंद थमाई गई है, सामना करेंगे कार्लोस, पटकी हुई गेंद भेजा है खेतों में, एक ही रन से होना होगा संतोष। जो उस खेत में गेंद जाती है तो एक रन मान्य होगा, तो एक रन आपको मिलेगा जरूर इस बार बल्ले पे लिया है गेंद को, आवाज इतनी सुनहरी थी कि पहले ही पता चल गया कि गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। तो 1-6 रन आया है। अब यहां से होली की टीम को 19 रनों की आवश्यकता होगी, 16 में 19। इस बार बल्ले का किनारा लेकर गई है गेंद खेतों में, और अपील भी जताई गई है, तो अंपायर आप वहां से जाके देख लेंगे, लाइव जो चल रहा है आप उसमें देख लेंगे, आप कोई डिस्कस नहीं करेंगे अंपायर, आप प्लेयरों से कोई डिस्कस नहीं करेंगे, वहां लाइव जो मुकाबला चल रहा है उन्होंने पहले याद दिलाया है कि विकेट पे लगी नहीं है गेंद, क्योंकि जो हमारे थर्ड अंपायर है वह सीधे स्टंप के पीछे बैठे हुए हैं, तो काफी करीब है वह स्टंप के, तो उनके नजरों से वह गेंद नहीं बचेगी, उन्होंने पहले ही इशारा किया है कि यह गेंद जो है वह स्टंप पे नहीं लगी है, लेकिन रिव्यू लिया गया है उसमें यदि चेक करने पर यदि यह गेंद विकेट पे लगी होगी तो निश्चित ही वह आउट दिया जाएगा। कभी कभी थर्ड अंपायर भी गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब उस चीज को परखा जाएगा, देखा जाएगा, यदि पकड़ी जाती है गेंद स्टंप पे लगी होगी तो निश्चित ही वह गेंद पे आउट का करार दिए जाएंगे। हटा लोग, इतना भीड़ क्यों लगा रहे हैं आप,
आप एक टूर्नामेंट खेल रहे वही तो चीज हम देखे जो थोड़ा पैर है काफी दूर से आते हैं तो आप लोग इतना खौफ मत बनाइए, आप लोग दूर रहिए उनसे, वो जो भी फैसला होगा आपको सुना देंगे। आप घर जाके भी स्लो मोशन में देख लीजिएगा यूट्यूब पे, आप स्लो मोशन उस चीज को देख लीजिएगा आउट या नॉट आउट देख ले। करीबी हो जाए तो पहले ही बता देना था, मैं आउट जरूर होता बना देता था। कैसे बड़ा मैच खेलते हो यार, मैच अपने आंखों से भी नहीं गया यार, नेट बेकार में खर्च होता है, लाइव में खर्च कर लिया जाए, लाइव स्कूल के माध्यम से जो मुकाबला चल रहा है। अंगूर खड़ा कर लेते तब हम गलती मानती सफेद बंटी पहनने वाला है। आप लोग इनका पानी वानी पीने का व्यवस्था कर दें, पेड़ा वाला लाए इनको दें, क्योंकि आने वाले समय में विधायक के पद पे ये देखे जाएंगे। अरे ठीक है अभी देख के बता दिए, पता चल जाएगी एक बार बार मतलब न रहे गलती हुई थे यहाँ। तो आप फल ज्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि आप अभी हाली चेकअप करा के आए हैं और लाइव चला था ना, कोई भी चीजों की तकलीफ नहीं है। फलों पे ज्यादा ध्यान दीजिए, मिठाइयों पे कम ध्यान दीजिए, केला खाइए आप बेहतर रहेगा आपके लिए। सस्पेंशन बाज हो हां धीरे देख लीजिए भैया, वो ऑनलाइन चल रहा भाई थकान न रहे ना, अब देखा जाता लग रही है। तो जरूर विधायक जी एक आगे पोस्ट भी मारे हैं फेसबुक पे, आप लोग जाके वहाँ लाइक कीजिए, उन्हें कमेंट कीजिए, बहुत अच्छा लगता है उन्हें यदि कोई लाइक करता है कमेंट करता है तो बेहतर फील करते हैं अपने आप को। अम्मा तो चलियो जब जब पोस्ट डालते हैं तो उस पे एक हेडलाइन में लिखते भी हैं तो कहीं ना कहीं लगते हुए आप उस हिसाब से एक अच्छा सुनहरा सा चेहरा भगवान ने आपको दिया है, एक अच्छा गठन दिया है आपको भगवान ने। लगता है यह कहीं ना कहीं बहुत ही अंदरूनी मामला है, काफी विलम्ब हो रहा है उस चीज पे, ज्यादा डिस्कस मत कीजिए, डिस्कस होने में ही दिक्कतें होती हैं। रिव्यू चलता हुआ अब वहाँ फैसला आना बाकी है, लगता है मुझे ही यूट्यूब खोलना पड़ेगा। नेट कम चल रहा है, लगता है मेरा तेज चल रहा है। विधायक जी का 5G है आप चेक कीजिए क्योंकि न्यू मोबाइल नहीं है, अभी हाली पार्टी नहीं दी है हमको अभी तक। कौन सा मोबाइल है? Realme 11 Pro जो अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, इनके हाथों के सुनहरे हाथों में दिखता है वो मोबाइल। तो आपका वो 5G मोबाइल है, बताते हैं कि मेरा नेट कभी खत्म नहीं होता है, जितना चलाना का मन हो चलाइए आप। विवेक यहाँ से चेक कर लेंगे एक बार, यदि नेट वहाँ नहीं चल रहा हो तो यहाँ से कमेटी के कोई भी सदस्य होंगे आप उस चीज को स्लो मोशन में डाल के चेक कर लेंगे। फोन कॉल एक दूसरे पे अब चले लगी, मजाक समझ दो खड़ा बड़ा देखिए वहाँ गर्माहट का माहौल है, मोनू आप उनसे दूर रहिए। चलो मैं चालू करा
आप लोग जो आउट ऑफ ग्राउंड के प्लेयर है, आप लोगों का काम इतना ही है कि बाउंड्री के बाहर गेंद कौन सी जा रही है कौन सी नहीं जा रही है उसी का फैसला सुनाना। रिव्यू आप लोग मत देखिए। तो थर्ड अंपायर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप उसके पीछे बैठे हुए हैं, आपकी नजरों से वह गेंद नहीं बची होगी, आपको क्या लगता है, आप इशारा करेंगे? नॉट आउट तो नॉट आउट होगा वह जो फैसला है नॉट आउट का करार दिया गया है। और यहाँ पर जो हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं कमेटी में, आप लोग नेट को ऑन रखिएगा, उस चीज को चेक कीजिएगा जरूर। यदि चेक करते हैं, यदि आउट पाए जाते हैं तो उनका पूरा रन माइनस कर दिया जाएगा। अंपायर एक मिनट आप रुक जाएंगे, ये जो आउट ऑफ ग्राउंड के जितने भी प्लेयर घूम रहे हैं ग्राउंड के अंदर, आप लोग पहले बाहर होंगे। तो चलिए फिर से इस मैच को शुरू करते हुए, इस बार फिर से वही सेम शॉट, कहीं ना कहीं हेलीकॉप्टर बनाना चाहते हैं जरूर, लेकिन शरीर से टकरा रही है गेंद, बल्ले पर अभी तक आई नहीं है। जो भी शॉट खेले अब तक वह शॉट जो दिखाना चाहते हैं कारनामा, लेकिन बल्ले पर गेंद आने रही है, एक रन नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उस लक्ष्य के करीब पहुंच चुकी है होली की टीम। हरिंदर के हाथों में गेंद थमाई गई है और या गेंद होगी गोल्डन के लिए, पटकी हुई गेंद उठाकर खेला इस गेंद को स्ट्रेट की दिशा में, फील्डर है मौजूद और जब तक गेंद को फील्ड करते हैं एक ही रन से होना का संतुष्ट ओवर हुआ है समाप्त। तो सात माफ कीजिएगा 8 ओवर हुआ है समाप्त। स्कोर जहां पहुंचा है तो 82 रन, 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जहां पहुंचा है 82 रन। इस बीच ऑफ की दिशा में खेला इस गेंद को, फील्डर है मौजूद, जब तक की गेंद को फील्ड करते हैं तब तक एक रन मिलेगा। अब मैं जानना चाहूंगा स्कोरर से कि 11 गेंदों में कितने रनों की आवश्यकता होगी। जी तो 11 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है, 11 गेंद 17 रन। बीच बल्ला चलाया है जरूर, बल्ला चलाया है जरूर, लेकिन बल्ले पर गेंद आई नहीं है, गई है कीपर के दस्तानों में। अब यहाँ से 10 गेंदों में 17 रन, दो बड़ी बाउंड्री जहाँ आई इस ओवर में, मैच जाएगा हौली की तरफ तो कहीं ना कहीं अब कोना की टीम को यदि जीतना है तो बाउंड्रियों पे रोक लगानी होगी। इस बीच टम्मा खाने के बाद गई है कीपर के दस्तानों में, तो कोई रन नहीं। बेहतर गेंदबाजी, राजू की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। यदि ऐसे मोमेंट में आप इस तरह से गेंदबाजी करते हैं तो आपके लिए एक सफल ओवर होगा। रोमांच की तरफ बढ़ता हुआ यह मुकाबला, तो अब जाकर कहीं ना कहीं दबाव जरूर महसूस करेगी होली की टीम। यहां से या 9वें ओवर में कार्लो जैसे बल्लेबाज का विकेट मिलना एक महत्वपूर्ण विकेट है। अब यहां से पूरी तरह से दबाव महसूस करेगी होली की टीम और कहीं ना कहीं यह बेहतर ओवर देखा गया है, जो 9वां ओवर फेंका जा रहा है राजू के द्वारा, एक अच्छा ओवर। यदि जितना रन इसमें बचा सकते हैं उतना प्लस पॉइंट होगा इनके लिए अगले ओवर में। और वहीं होली के बल्लेबाजों को यदि यह मैच जीतना है तो इस ओवर में एक बाउंड्री होगी आवश्यकता होगी, जहां एक बाउंड्री आएगी तहां आपके लिए अगले ओवर में मेहनत कम लगेगी। अभय होंगे तो हाथ उठा देंगे बल्लेबाजी पे, वहां तो जरूर कार्लोस का जगह लेने के लिए आए हैं अब अभय।
गेंदबाजी मार्ग में है राजू, राजू सामना करेंगे भाई। इस बीच पर की हुई गेंद खेला है लेग की दिशा में, फील्डर है मौजूद, एक ही रन से होना होगा संतोष। तो यह ओवरों का सिलसिला चलता हुआ जो नौवां ओवर है प्रगति पे है। अब यहाँ से मैच का भी रुख बदलेगा क्योंकि यह उसके बाद से छह गेंदें होंगी और मैच भी रोमांच की तरफ बढ़ चला है। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि हौली की टीम एक तरफा यह मुकाबला जीत जाएगी, लेकिन अपील जताई गई है, बल्ला चलाए हैं जरूर बल्लेबाज। ओवर दिखाया गया है, ओवर की समाप्ति बताई गई है, तो विकेट नॉट आउट बताया गया है, अपील जताई गई थी कि यह आउट है, लेकिन अंपायर ने उस चीज को परखा है और बताया है कि नॉट आउट। अब यह आखिरी ओवर होगा, अब यह आखिरी ओवर होगा। छह गेंदों पर बाप को आवश्यकता होगी 16 रनों की, क्योंकि इस ओवर के दौरान एक ही रन आया है, 16 रनों की आवश्यकता है छह गेंदों में, 84 रन, 100 रन पे। तो तब से मैं अभी तक क्या बोल रहा था, लगता है आपके कान कहीं और थे, दिमाग कहीं और था। मैं शुरू से ही चिल्ला रहा हूँ कि 100 रन का लक्ष्य है पार करना है हौली की टीम को। तब से आप इशारा दिखा रहे हैं टीवी के जैसा, मैं समझ ही नहीं पा रहा था आप जानना क्या चाहते हैं। लगता है इस बार रामू आप स्पीकरों की संख्या और बढ़ा दीजिए। इस बीच लाला आखिरी ओवर, इस बीच बल्ले पर गेंद आई है, मिसफील्ड हुआ है जरूर, हाथों में गेंद आई थी, छिटकी है, मिसफील्ड हुआ है, उसका खामियाजा भुगतना जरूर पड़ेगा क्योंकि यह गेंद उनके हाथों में आके छिटकी है। मैच जो है फंसा हुआ दिख रहा है, 15 रनों की आवश्यकता है 5 गेंदों में, जहां दो बड़ी बाउंड्री आई वहां से मैच का रुख बदलेगा। रोमांच की तरफ बढ़ता हुआ मैच, दर्शकों को भी ऐसी ही उम्मीद रहती है मैच की, जो रोमांच मैच देखने के लिए मिलता है एक बेहतर मैच होता है। इस बीच पड़की हुई गेंद उठाकर खेला है, इस गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अब जाकर यहां से और रोमांच बढ़ा है, जितनी बाउंड्री लगेगी जितने रन आएंगे उतना रोमांच बढ़ेगा इस मैच का। अब 4 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता होगी। अब यहां से 4 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता होगी। इस बीच फिर से बल्ला चलाया है, गेंद में ऊंचाई दिख रही है, दूरी देखना बाकी होगा और जाएगी भी, गेंद गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो 3 रनों की आवश्यकता, 3 रनों की आवश्यकता है अब यहां से। इसी बीच विवेक की गाड़ी भी धरीसाई होती हुई, क्योंकि यह गाड़ी रोड पे लगाए थे, सीधी गेंद जाके उनके कांच पे लगी है और वह कांच टूट चुका है, तो काफी निराश होंगे या कहीं ना कहीं जाते हैं इनका नुकसान ही होता है। टंकी भी पचक गई है, आप जाके बल्लेबाज से संपर्क कर लीजिएगा। बहुत लोगों के चेहरे पे मुस्कान भी है, इनके दुश्मन लगते हैं, लगता है सबका। इस बीच अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद गई है कीपर के दस्तानों में, तो अब यहां से 2 गेंदे हैं, 2 गेंदों में 3 रनों की आवश्यकता। मैच बना हुआ है, यहाँ से कुछ कहा नहीं जा सकता अभी नहीं। इस बीच स्टेट के दिशा में खेला है इस शॉट को और एक ही रन मिलेगा, 2 रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है, विकेट भी गिरेगा। तो अब एक गेंद में 2 रनों की आवश्यकता होगी, एक गेंद 2 रन। रोमांच का माहौल छाता हुआ इस प्रेमदासा स्टेडियम में, जो बाबा विक्रम दास क्रिकेट प्रतियोगिता के द्वारा आयोजित किया गया है यह टूर्नामेंट। अब यहाँ से यदि एक गेंद में 1 रन बनता है और यह मैच बराबरी होता है तो होगा सुपर ओवर। अब जहाँ से सुपर ओवर होगा वहाँ और मजा आने वाला है, और कहीं वह 2 रन बन रहा है तो निश्चित ही हौली की टीम यह मुकाबला जीत जाएगी। तो अब देखना बाकी है, यहाँ से यदि 1 रन देंगे वाइट जाती है टीम तो वह प्लस पॉइंट होगा हौली के लिए। और अंपायर उस चीज को ध्यान दीजिएगा, अभी ओवर खत्म नहीं हुआ है, हौली के 2 प्लेयर आए हैं।
आप लोग बिना बैट लिए बिना पानी लिए मत आइएगा इसके बाद। अब इसके बाद आना ही क्या है, लेकिन आप इसके बाद यदि मैच में रहते हैं ऐसे प्रदर्शन दिखाते हैं तो आपका 5 रन माइनस कर दिया जाएगा। आप बिना ओवर के बीच मैदान पे नहीं आ सकते हैं। तो रोमांच का माहौल बढ़ता हुआ, एक गेंद में 2 रनों की आवश्यकता। अब यहाँ से देखना बाकी होगा कि यह मैच बराबरी होता है या फिर हौली के खाते में जाता है या फिर एक औरा के। इस बीच बल्ले को उठाकर खेला है, जाएगी खेतों में गेंद, 2 रन मिलेगा तो यह मुकाबला हौली के खाते में जाता हुआ। तो इस मुकाबले को हौली की टीम ने जीत लिया है। जो एक गेंदों पे 2 रनों की आवश्यकता थी, निशी थी, वह गेंद वह गेहूं के खेत में गई है तो 2 रन मान्य होगा। तो एक रोमांचक मुकाबला देखा गया। अब यहाँ से हौली की टीम इस टूर्नामेंट में जगह बना ली है।